हेलो स्टूडेंट वी स्टार्ट ई वी एस सेवन स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर सिक्सटीन नेचुरल रिसोर्स प्रीवियस क्लास में हमने मिनरल ऑयल्स के बारे में पढ़ा था मेटल और के बारे में पढ़ा था आज हम पढ़ रहे हैं नेचुरल गैस एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज वाई इज नेचुरल गैस एंड इको फ्रेंडली फ्यूल क्यों नेचुरल गैस को इको फ्रेंडली फ्यूल बोला जाता है क्योंकि नेचुरल गैस में से बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कोल और वुड की अपेक्षा 45 परसेंट लेस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है द डिमांड फॉर अ फ्यूल हैज़ इंक्रीज ग्रेटली ड्यू टू द रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन बट द रिजर्व्स ऑफ अ फॉजिल फॉल आर लिमिटेड जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फ्यूल की डिमांड भी बढ़ती जाती है और इसके हिसाब से हमारे पास जो फॉजिल फ्यूल के रिजर्व हैं वो हमारे पास बहुत लिमिटेड हैं। इट इज़ इट बिकमिंग डिफिकल्ट टू मीट द इंक्रीज डिमांड और बहुत ही इस डिमांड को इस बड़ी डिमांड को पूरी करना बहुत डिफिकल्ट है द लाइकलीहुड ऑफ द रिजर्व गेटिंग एक्जिस्ट इज़ नोन एज एनर्जी क्राइसिस और इस तरह से इन रिजर्व्स का एग्जस्टिड होना ख़त्म हो जाना बहुत एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा मतलब एनर्जी कम हो जाएगी एज द रिज़र्व ऑफ द फॉजिल फ्यूल नेमली मिनरल ऑयल एंड कोल आर लिमिटेड एंड द डिमांड इज इंक्रीजिंग सबसे ज़्यादा फॉजिल फ्यूल्स जो कि मिनरल ऑयल कोल है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है उसकी डिमांड इंक्रीज होती जाती है ऑल्टरनेटली फ्यूल्स आर कमिंग इन टू यूज जैसे से और जितना हम यूज़ कर रहे हैं इसके हिसाब से फ्यूल बहुत कम है हाइड्रोजन बायोफ्यूज में और वुड एल्कोहल इथेनॉल और ग्रीन एल्कोहराल सम ऑफ द अल्टरनेटिव फ्यूल अब उसके अगेंस्ट में कुछ हमारे पास फ्यूल आ गए हैं जैसे हाइड्रोजन बायोफ्यूज मैथेनॉल वुड एल्कोहल एथेनॉल और ग्रीन एल्कोहल ये सारे ऑल्टरनेटिव फ्यूल यूज़ करके हम इस तरह से फॉजिल फ्यूल की जो समस्या है उससे बच सकते हैं ओके okay? अब हम पढ़ें फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमारे किस काम से आ सकते हैं वॉट इज़ द मीन बाय फॉरेस्ट फॉरेस्ट क्या है आप सबको पता है फॉरेस्ट क्या होते हैं एक ऐसा एरिया लैंड जो कि किसके लिए कवर्ड है वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स के लिए और ये नेचुरल हैबिटेट भी है एनिमल्स के लिए एंड माइक्रोब्स के लिए वॉट आर देयर यूजेज फॉरेस्ट के यूजेज अनलिमिटेड हैं हम इसको छोटे उसमें बोल ही नहीं सकते कितनी चीज़ों में फॉरेस्ट आपके काम आते हैं अनलिमिटेड यूज हैं एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ लैंड कवर कवर्ड बाय अ वेराइटी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया जो कि कवर है लैंड का प्लांट के लिए वेराइटी ऑफ प्लांट के लिए वो क्या कहलाता है फॉरेस्ट फॉरेस्ट इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रोव वहाँ पे क्या क्या रहते हैं प्लांट एनिमल और माइक्रोब्स भी रहते हैं अबाउट थर्टी परसेंट ऑफ टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाई फॉरेस्ट वर्ल्ड का थर्टी परसेंट किससे कवर है फॉरेस्ट से फॉरेस्ट परफॉर्म सर्टिन स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव फंक्शन फॉरेस्ट क्या परफॉर्म करता है प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव फंक्शन प्रोटेक्ट भी करता है और प्रोडक्टिव फंक्शंस भी हमको देता है बहुत सारे चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट से हमको मिलती है गम है वुड है नीम है बहुत सारे अनलिमिटेड प्लांट हमको फॉरेस्ट से मिलते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है वो हम देखते हैं टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड रिड्यूस करता है वाटर की वेलोसिटी लैंड में फ्लो करने से जिससे वो फॉरेस्ट के थ्रू ज़मीन में पानी चला जाता है जो कि हमारे यूजफुल होता है टू प्रिवेंट सॉयल इरोजन सॉयल इरोजन को बचाता है टू हेल्प परकोलेशन ऑफ वाटर इन टू द ग्राउंड वाटर को वेस्ट होने से बचाता है टू कंट्रोल फ्लड बाढ़ को कंट्रोल करता है टू रिड्यूस द रेट ऑफ इवोप्रेशन, इवोप्रेशन की रेट को रिड्यूस करता है टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस गैसेस को मेंटेन करके रखता है थर्स फॉरेस्ट हेल्प इंप्रूव एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट और एनवायरमेंट को इम्प्रूव करता है फॉरेस्ट और मैंटेन करके रखता है क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट को प्रोडक्टिव फंक्शन अब कौन कौन से प्रोडक्टिव फंक्शन है जो कि हमको फॉरेस्ट से मिलते हैं ये देखिए मेडिसिनल प्लांट है मेडिसिनल प्लांट मतलब मेडिसन्स में यूज होते हैं अडुलसा बेल नीम पैरिविंकल पैरिवंकल सिंचोना एडोलसा का यूज़ हम कफ एंड कोल्ड में करते हैं आपने कई बार देखा होगा डॉक्टर सीरप देखते हैं अडुलसा के नाम का ये सीरप मार्केट में बहुत फेमस है बेल डायरिया के काम में आता है नीम फीवर एंड कोल्ड के काम में आता है पैरिविंकल से कैंसर की दवाई बनती है इसे ट्रीटमेंट किया जाता है सिनोमेन से, से डायरिया और नासा काम में आता है नासा के काम में आती है सिंचोना मलेरिया में काम आता है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ अ मेडिसिनल प्लांट अश्वगंधा शतावरी आमला हरडा बहेरा तुलसी ये सारे जो प्लांट हैं जिनका हम मेडिसिनल में यूज़ करते हैं एंड देयर यूजेज टेक द हेल्प ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और अ पीपल इन योर नेबरहूड हुव द नॉलेज ऑफ प्लांट टू ऑबटेन दिस इंफॉर्मेशन आपके ग्रैंड पेरेंट और पीपल से भी आप पूछेंगे तो वो आपको इन प्लांट्स के बारे में बता सकते हैं वुड वी गेट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल वुड एज ऑल्सो फायर वुड फ्राम ट्रीज हम लकड़ियाँ जलाते हैं ड्यूरेबल स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल वुड को यूज करते हैं लाइक टीक महोगनी नीम एसेसिया एंड सबनू ये सारे ट्रीज के नाम हैं वुड इज़ अफ फॉर मेकिंग फर्नीचर फार्मिंग एम्प्लीमेंट्स एंड वेरियस अदर आर्टिकल एज वेल एज इन कंस्ट्रक्शन वर्क वुड का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं फर्नीचर के लिए फार्मिंग के एम्प्लीमेंट्स बनते हैं और कंस्ट्रक्शन वर्क के अदर आर्टिकल भी हमारे को किससे मिलते हैं वुड से मिलते हैं फॉरेस्ट वेल्थ इंक्लूड फाइबर्स पेपर रबर गम एंड ऑटोमिक्स एरोमेटिक फॉरेस्ट हमको क्या क्या मिलते हैं फाइबर्स मिलते हैं पेपर रबर गम और एरोटिक सब्सटेंसेज बनाए जाते हैं वी गेट फ्रिगनेंट इसशियल ऑयल फ्रॉम लेमन ग्रास वनीिला हमारा जो सैंड परफ्यूम वगैरह हम यूज़ करते हैं वो किससे बनते हैं खुशबू वाले तेल जो यूज़ करते हो आप वो लेमन ग्रास वनीला और केवड़ा से बनता है वो भी कौन से हैं फॉरेस्ट से ही मिलते हैं हमें वेट एवर घस एंड वुड एंड ऑयल ऑफ अ यूकेलिप्टस आर यूज फॉर मेकिंग सोप कॉस्मेटिक एंड ये सारी चीज़ प्लांट के नाम है ट्रीज के नाम है हम किस में यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स में सोप वगैरह में तो फॉरेस्ट का यूज कितना ज्यादा है आपको समझ में आ ही रहा होगा इन एडिशन वी गेट वेरियस फ्रूट बल्ब एंड रूट हनी सीलिंग वैक्स काचू डाइज ये सब भी चीजें हमको कैसे मिलती है फॉरेस्ट से वॉट यूजफुल थिंग विल बी इफ फ्लोवर इज नो लॉन्गर अवेलेबल क्या होगा जब विदाउट इफ रबर इज़ नो तो रबर बहुत प्ले रोल करता है अपनी इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है इनका रबर के शूज़ बनाए जाते हैं हाउस होल्ड बहुत सारी चीज़ें रबर्स की बनाई जाती हैं तो इन सब के कारण ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी स्कूल ऑफिसों में स्टैम्प बनाए जाते हैं रबर के वॉट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड कटिंग डाउन ट्री क्या इफेक्ट होंगे अगर फॉरेस्ट और कर... क्लियर कर देंगे और कटिंग करेंगे ट्री की तो सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन का प्रॉब्लम आएगा और रिमूव करेंगे अगर कटिंग तो डायवर्सिटी लॉस और एरिडिटी बढ़ जाएगा एडवर्स इफ़ेक्ट आएंगे और जो मेडिसिनल प्लांट वगैरह जो हमको मिल रहे हैं उनका कम हो जाएगा हाउ इज़ टू कंजर्व फॉरेस्ट यंग ट्री शुड नॉट बी कट जो छोटे छोटे ट्री हैं उनको मत काटिए मैनी मोर ट्री दैन कट डाउन शुड बी प्लान्टड एंड लुकड आफ्टर अगर कोई ट्री काटते हैं तो तुरंत एक नया ट्री प्लांट कर दीजिए द स्टेजेंट रेस्ट्रिक्शन लॉ रेगुलेशन रिगार्डिंग यूजेज ऑफ फॉरेस्ट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड जितने भी रिस्ट्रिक्शन है लॉ है रेगुलेशन है वो स्ट्रिक्ट फॉलो करिए यूजेज ऑफ फॉरेस्ट ओके okay, अब हम पढ़े हैं ओशन रिसोर्सेज नेम द ओशन ऑफ द अर्थ बहुत सारे ओशंस हैं हमारे अर्थ में बे ऑफ बंगाल ओशनिक ओशन हाउ इज़ सी वाटर यूजफुल टू अस इवन थ्रू इट इज़ अ सॉल्टी क्या सी वाटर हमारे यूजफुल है फिर भी वो सॉल्टी है तो सी वाटर यूज़ है सी फूड रहता है सी के एनिमल्स हैं उनका भी हम यूज़ करते हैं मेडिसिन वगैरह में तो सी वाटर यूज़ है वी हैव लर्न दैट ओशन ऑक्यूपाई अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस दैन लैंडर्स बहुत सारा ग्रेटर पार्ट हमारा अर्थ का ओशन ने ऑक्युपाई किया है एनर्जी कैन बी ऑप्टेन ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम ओशन ओशन के द्वारा हम लार्ज स्केल में एनर्जी भी प्राप्त कर रहे हैं सी वेवस एट अ हाई एंड लो टाइज एंड ओशन करेंट आर बीग यूज फॉर जनरेशन ऑफ सी वे जब हाई और लो टाइट्स में जाती हैं तो ओशन करेंट क्या प्रोड्यूस करता है पावर जनरेशन लास्ट ईयर वी हैव लर्न समथिंग अबाउट दिस इन ज्योग्राफी आपने पिछली बार ये ज्योग्राफी में पढ़ा होगा देयर आर रिजर्व ऑफ वेराइटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन सी वाटर एट द बॉटम ऑफ सी एंड बैड टू दीज available अवेलेबल फ्रॉम सीज एंड ओशन कॉल्डर मरीन रिसोर्सेज जो सी के बॉटम में सी वाटर रहता है नेचुरल रिसोर्सेज है सी वाटर का बॉटम ऑफ द सी एंड द बैड और सी बैड के ऊपर का ये सारे रिसोर्सेज रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं मरीन रिसोर्सेस मिनरल्स एंड बायो रिसोर्सेज फ्रॉम ओशन मिनरल्स और कौन से बायो रिसोर्सेज जो ओशन से मिलते हैं आर मिनरल टू बी फाउंड इन सीज एंड ऑन द सी बैड एज दे आर फाउंड इन साइड द अर्थ हमारे कौन कौन से ऐसे मिनरल हैं जो सी और सी बैट में मिलते हैं अर्थ के नीचे तो बहुत सारे रिजर्व हैं टेन, क्रोमियम फास्फेट, कॉपर जिंक, ये सारी चीज़ें हमें ओशन के सी बैट पे मिल जाते हैं साइंटिस्ट बिलीव दैट बिलियंस ऑफ टन ऑफ मिनरल्स आर टू बी फाउंड डिजोल्व इन ओशियन वाटर साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि बहुत सारे बिलियंस ऑफ टन्स मिनरल है जो ओशन वाटर में डिजॉल्व हैं देयर आर वेरी लार्ज रिजर्व ऑफ अटेन क्रोमियम फॉस्फेरस कॉपर जिंक आयरन लैड मैग्नीज सल्फर यूरेनियम एक्सिक्टा इन द ओशन एंड सी बर्ड वी गेट मैनी टाइप्स ऑफ जैम्स कंचेज शैल्स एंड पर्ल्स फ्रॉम द सी बहुत सारे टाइप के अब जैम्स कंचे जो कि आप खेलते हो शेल्स भी आपने देखे होंगे ये सब हमको सी से मिलते हैं पर रियल पर्स आर इवन कॉस्टलियर देन गोल्ड और जो रियल पर्स है इस टाइप का होता है ये वो बहुत कॉस्टली होता है कंपेयरिंग टू गोल्ड देयर आर लार्ज स्केल रिजर्वस ऑफ आ मिनरल ऑयल्स एंड नेचुरल गैस एट द बॉटम ऑफ सी और लार्ज स्केल पर मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस के सी बॉटम पे रिजर्व्स हैं वी अवेलेबल ऑफ दिस बाई ड्रिलिंग ऑयल एंड गैस वेल और हम कैसे इनको निकालते हैं ऑयल को ड्रिलिंग करके ओके ये देखिए सी सारे सी के एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल जिनको हम बोलते हैं और मरीन वेल्थ भी इनको बोला जाता है इन इंडिया द फर्स्ट मिनरल ऑयल वेल सागर सम्राट was अ ड्रिल 1974 नाइनटीन सेवेंटी फोर एट द ऑयल फील्ड कॉल बॉम्बे हाई फॉर ऑपटेनिंग मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी ये देखिए सागर सम्राट है जो कि 1974 सेवनटी में ड्रिल करके लगाया गया था बॉम्बे हाई फॉर ऑप्टेनिंग मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस के लिए द नेचुरल गैस फ्रॉम द वेल इज कैरेडेड बाई अ पाइप लाइन टू अ प्लेस कॉल्ड उड़ान इसमें से pipeline के द्वारा गैस और के भिजाई जाती है जैसे क्या क्या कहा जाता है उड़ान नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम ओशन हमको कौन से मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम ओशन कौन से मिनरल्स हमें मिलते हैं थोरियम इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है एटॉमिक एनर्जी के लिए मैग्नीशियम फ्लैश बल्ब ऑफ कैमरा पोटेशियम मेन इंग्रेडिएंट है प्रोडक्शन का सोप ग्लास और फर्टिलाइज़र पोटेशियम से बनाया जाता है सोडियम यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथन पेपर सल्फेट यूज इन मेकिंग आर्टिफिशियल सिल्क सोडियम है क्लोथन पेपर बनाने के लिए यूज होता है सल्फेट आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए यूज़ होता है ओके बायो रिसोर्सेज इन ओशन अब कौन कौन से बायो के रिसोर्सेज हैं फिश लाइक पॉम्फेट शीरफिश एज ऑल्सो श्रिम्प एंड प्रॉन्स दे आर आ सोर्स ऑफ प्रोटीन ये सब फिश के नाम है जो कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज है प्रोटीन का एंड विटामिन का दे आर फोर मेनली यूज एज सी फूड और इसलिए बहुत से लोग सी फूड यूज़ करते हैं ड्राइड शिम बॉम्बे डार्क पाउडर यूज़ एज अ पोल्ट्री फीड एंड इज गुड मैन्योर शैल यूज़ फॉर अ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन ऑर्नामेंट एंड डेकोरेटिव आर्टिकल शेल्स का यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए ऑर्नामेंट और डेकोरेटिव आर्टिकल फंगी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक के लिए यूज़ होता है शार्क एंड कोट फिश इसका यूज़ प्रोड्यूसिंग एडेबल ऑयल रिच इन विटामिन ए डी एंड ई के लिए यूज़ किया जाता है सी कोकोम्बर यूज़ एज अ मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट कैंसर एंड ट्यूमर तो देखिए आपको मरीन वेल्थ भी हमारे कितने काम में आता है मरीन ऑक्यूपेशन फिशिंग मेन ऑक्यूपेशन सॉल्ट फार्मिंग अ बिग इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्ट बिजनेस ट्रांसपोर्ट बाय सी सी टूरिज्म मींस ऑफ फाइनेंशियल इनकम मैन्युफैक्चरिंग डेकोरेटिव आर्टिकल ये सब हमारे मरीन के हैं। नेचुरल रिसोर्सिस आर इम्पोर्टेंट फॉर अटिंग अवर नीड्स रिजर्व ऑफ सम रिसोर्सिस आर लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स बहुत नीड है हमको क्योंकि हमारे जो रिजर्व के सोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं देयर इज़ अ डेंजर दैट एक्सेसिव यूज़ विल लीड टू देयर अर्ली डिप्लेटेशन अगर हमने बहुत डेंजर होगा अगर हमने इसका एक्सेस यूज़ कर लिया वी मस्ट कीप अ कंट्रोल ऑन द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स टू मेनटेन द बैलेंस इन नेचर और हमको इसको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए यहाँ आपका लेक्चर ख़त्म होता है थैंक यू